नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई भर्ती के बारे। जी हाँ, इसका नाम है जूनियर एसोसिएट क्लर्क। जी हाँ, क्लर्क की ये भर्ती है। दोस्तों बात करें फॉर्म की तो 17 नवंबर 2023 से फॉर्म चालू हो गया है, जिसको आप 7 दिसंबर 2023 तक इसको भर सकते हैं, इसका आवेदन कर सकते हैं। बात करें फीस की तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये, एससी एसटी पीएच के लिए कोई फीस नहीं है। इसको 20 से 28 के उम्र के बीच के जो अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें पोस्ट की तो पोस्ट बहुत ही बम्पर पोस्ट है, यानी 8283 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें इसमें जो एलिजिबिलिटी है यानी योग्यता है वो ग्रेजुएशन डिग्री है, और आप अगर अपेयरिंग है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये वैकेंसी ये स्टेट वाइज है, इसलिए इसमें आपको लोकल लैंग्वेज का अनिवार्य आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों इसका लिंक जो है डायरेक्ट लिंक आपको sarkarizal.com और rozgarizal.com पे मिल जाएगा। आपको सीधे अप्लाई ऑनलाइन वाले क्लिक हियर सेक्शन पे क्लिक करना है और ऑनलाइन आवेदन करना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि स्टेट बैंक क्लर्क की भर्ती के लिए फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसमें फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। अब आपको इसको भरना है। चलिए हम बताते हैं इसको कैसे भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें मांगा है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में आप इसमें नाम डाल दीजिए। उसके बाद वही नाम आपको दोबारा डालना है। उसके बाद आपको मिडिल नेम डालना है, मिडिल नेम डाल दीजिए। उसके बाद नीचे दिया हुआ लास्ट नेम, तो लास्ट नेम भी आप डाल दीजिए। जो भी आपको लास्ट नेम डालना है वो लास्ट नेम डाल दीजिए। जो भी आपका नाम हो पूरा नाम डालिएगा, अगर बाई चांस मिडिल नेम नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा और लास्ट नेम केवल फिलअप कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद वही नंबर सेम नीचे भी डालना है। चलिए इसको हम डालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, जो नंबर हमने ऊपर डाला है वही हमने नीचे डाल दिया। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ अपनी ईमेल आईडी, और जो ईमेल आईडी हमने ऊपर डालेंगे वही हम नीचे डालेंगे। यहाँ भी आपको ईमेल आईडी डालने के बाद @gmail या आपका जो भी हो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वही आपको नीचे फिलअप करना है। उसके बाद आप यहाँ सिक्योरिटी कोड डालिए और दोस्तों उसके बाद सीधे आपको आना है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। जी हाँ, ये आपके ईमेल पे भी आ जाता है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसमें अपनी फोटो लगानी है और साइन लगाना है। यह फोटो साइज का साइज भी आपको पता ही है, जैसे हर बार बैंकों में लगता है सेम उसी तरह का साइज लगेगा। तो चलिए हम फोटो साइन लगाते हैं, फिर आगे बढ़ के आपको बताते हैं क्या करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार हमने अपनी फोटो लगा दी और यहाँ पे हमने साइन अपलोड कर दिया। दोस्तों एक चीज हम बता दें, जब भी फोटो साइन लगाएगी तो उसमें बीच में स्पेसिंग नहीं, यानी जैसे आपका प्रशांत नाम है तो आप प्रशांत की बात स्पेस देके कुछ लिखिएगा मत, नहीं तो फोटो अपलोड या साइन अपलोड नहीं होगा। आप सिंपल सिंपल रेगुलर लेटर में इसको लिखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको सीधे सीधे करना है, आपको यहाँ आई कन्फर्म पे क्लिक करना है और सीधे यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ गए हैं तो आगे अब देख लेते हैं सर्किल का ऑप्शन हो गया है। सर्किल पे हमने सेलेक्ट कर दिया कि आपको किस जोन के लिए कहाँ किस सर्किल के लिए आप लोग अप्लाई करना है। जैसे हमें नई दिल्ली के लिए अप्लाई करना है तो हमने नई दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे ऑप्शन खुल जाएगा ये कि आपको कहाँ के लिए अप्लाई करना है, दिल्ली या उत्तराखंड के लिए। इसी तरह अगर आप अलग अलग जगह चाहे तो आप अलग अलग जगह जहाँ के भी आप अप्लाई होना चाहे भरना चाहे वहाँ के लिए आप भर सकते हैं। जैसे हमने लखनऊ नई दिल्ली सेलेक्ट कर लिया तो इसमें आ जाएगा सर्किल प्रेफरेंस। आप प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, लखनऊ को देंगे कि नई दिल्ली को देंगे। जैसे हमने पहला प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया लखनऊ। अब सेकंड पूछ रहा है, सेकंड हमने नई दिल्ली डाल दिया। इसके बाद पूछ रहा है कि स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप जो है किस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, तो हमने उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर दिया। अब पूछ रहा है इसमें लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आप जो हिंदी या उर्दू दोनों में से एक चॉइस कर लीजिए जो भी आपकी हो, तो वो हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद पूछ रहा है कि डू यू हैव 10th ऑफ 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट है, तो आप क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज, तो हम यस करेंगे, जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद पूछ रहा है कि कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आप डाल दीजिए, वो आपने फिलअप कर देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डालते हैं कि इसमें अगर आप जैसे अगर आपने डाला ओबीसी सर्टिफिकेट तो फिर आपको इसमें सबकास्ट का डिटेल लिखना पड़ेगा। जैसे ओबीसी में कुर्मी होता है तो उस तरीके जनरल अगर आप डालेंगे तो जनरल में जो ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका खुलेगा नहीं। तो दोस्तों जनरल और ईडब्ल्यूएस में ये ऑप्शन नहीं खुलेगा, इस चीज का ध्यान बड़ी रखिएगा। बाकी ओबीसी एससी एसटी में ऑप्शन खुलेगा, आपको इसको फिलअप करना जरूरी है। तो चलिए अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो आपको इसमें जो है आई कन्फर्म पे टिक करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ पूछा आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई, अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि आपके पास एचआरएमएस आईडी ऑफ अप्रेंटिस की है, अगर हो तो यस, नहीं तो नो रहेगा। साथ ही साथ आपका पूछा है विकलांगता कोई डिसेबिलिटी वगैरह में है, वो तो यस, नहीं तो नहीं। अगर विकलांगता वगैरह हो तो आप इसको यस करके उसका पूरा विकलांगता का डिटेल भरिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें पूछ रहा है और वो सब हम आपको बताते हैं। इसके बाद इसमें पूछ रहा है सिल्वर पॉलिसी, यानी सब डिसेबिलिटी रिलेटेड चीज़ें सब अपने आप बंद रहेगी। आप जब उसको अगर आप डिसेबिलिटी में यस करेंगे तो ही खुलेगी, अदरवाइज ये सारे ऑप्शन आपके बंद रहेंगे।
अब चलिए आइए नीचे देखते हैं, नीचे आपको भी ऑप्शन पूछ रहा है डिसेबिलिटी वाला, वो भी अगर आपके पास हो तो डालिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। अब चलिए आइए नीचे देखते हैं क्या नीचे आपका धर्म पूछ रहा है, कि धर्म से आप बिलोंग करते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम जैन, तो जो भी आपका धर्म वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। माइनॉरिटी कम्युनिटीज में होगा, अगर जैसे मुस्लिम वगैरह में होता है तो माइनॉरिटीज कम्युनिटी देश करना पड़ता है, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। चलिए आगे इंडियन है आपका। अब इसके बाद आगे पूछते हैं कि अगर आपका डिवोर्स वगैरह वुमेन्स वगैरह के लिए अगर है तो विडो वगैरह है तो आप यस कीजिएगा, उसमें आपको प्रेफरेंस भी मिल सकता है। एक्स सर्विस मैन हो तो आप यस कीजिएगा। इसको कॉलम के ऊपर थोड़ा कायदे से आप देखते हुए आगे बढ़िएगा, अदरवाइज ये सारे कॉलम काम के ज्यादा विशेष रूप से नहीं होते हैं, लेकिन तब भी आप देख, अगर आप स्टेट बैंक में काम कर रहे हो तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। अगर आप इम्प्लॉई हो तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। कोई आपका कोई रिकॉर्ड वगैरह हो जैसे डिफॉल्ट पेमेंट में लोन वोन से रिलेटेड, तो ये सब ऑप्शन आपके मान के चलिए नो ही रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। स्टेट विच यू प्राइमरी एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं तो ये पूछ रहा है, तो हम तो एग्जाम सेंटर अपना जो है उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं, आपका जो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब सेंटर पूछा है प्राइमरी, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत से सेंटर दिए हुए, आपको जो लेना हो वो ले सकते, काफ़ी सेंटर दिए हुए और भी है नीचे, तो जो आपकी चॉइस हो वो आप ले लीजिएगा। हमने अपने सेंटर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप आपके दूसरा सेंटर दूसरी चीज़ पूछ रहा है कि स्टेट मेन एग्जामिनेशन आप कहाँ चाहते हैं, तो मेन एग्जामिनेशन भी आप जो लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के अलावा भी अगर आप चॉइस करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि इसमें मेन एग्जामिनेशन सेंटर भी पूछ ले रहा है, तो मेन एग्जाम सेंटर हम प्रयागराज इलाहाबाद ले लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि फॉलोइंग आईडी आप क्या देना चाहते हैं, जो भी आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें तुरंत आपसे पूछेगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में कौन सी आईडी लेके जाना चाहते हैं, तो आप आधार कार्ड डाल देंगे, तो जो भी आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, जो भी आप डालना चाहें आप सेलेक्ट करके उसका नंबर इसमें पड़ेगा। तो चलिए नंबर फिलअप करते हैं। तो दोस्तों हमने नंबर डाल दिया, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जितनी भी डिटेल इसमें भरी जा रही है सब टेंटेटिव है, यानी कोई भी ओरिजिनल डिटेल नहीं है, केवल आपके किस तरह फॉर्म भरना है इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसी तरह आप इसमें डिटेल भर देखते जाइए, अपनी सही सही डिटेल भरिएगा आप। अब यदि प्राइमरी और मेन एग्जामिनेशन पूछ रहा है आपको कौन सा चाहिए, हिंदी इंग्लिश की इंग्लिश और उर्दू चाहिए, वो हमने सेलेक्ट कर लिए। अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी जन्म तिथि उसको डालिएगा, चलिए हम फिलअप करते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें डेट ऑफ बर्थ भी अपनी डाल दी है। अब हम बढ़ते आगे, जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास ट्विन वगैरह यानी आप जुड़े हुए बच्चे भाई बहन तो नहीं है, वो सेलेक्ट कर लीजिए, नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप अगर जो ट्विन्स को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें पूछेगा कि आप मेल फीमेल में ट्विन्स में है कि क्या है, उनका नाम वगैरह डिटेल पूछेगा। अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिड डालिएगा, अदरवाइज अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड डालिएगा। अब इसमें पूछ रहा है फादर नेम, तो यहाँ फादर नेम में जैसे आपने शुरुआत में अपना नाम डाला था उसी तरह इसमें भी डालना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, और उसी के नीचे मदर का नाम, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। तो चलिए इसको फिलअप करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको फादर नेम डालना, जो भी आपका फादर नेम उस तरह डालिएगा, यानी मिडिल नेम पे और उसी तरह मदर नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएगा तो आप उसमें अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो तो यहाँ टिक मत कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ टिक करके आप सेम ऊपर कॉपी अपने आप हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने चूंकि जनरल सेलेक्ट किया तो हमारी फीस 750 रुपये आ गई है। अब चलिए इसको आगे बढ़ के आपको बताते हैं अब आगे क्या करना है। दोस्तों इसमें जैसे ही आप पिन कोड डाल के आप नीचे आप बढ़ेंगे तो आपको एक चीज पूछेगा, चूज द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइस, तो इसमें आप कोई भी एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप जहाँ भी आप जीएसटी इनवॉइस चाहते हैं, हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, तो आप करस्पॉन्डेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, परमानेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप सेलेक्ट करके तब आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आ गई है, जी हाँ, ये हो एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट है तो आप पास डालिएगा, अगर अपेयरिंग है तो इसमें अपेयरिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो पास अगर है तो पास डाल दीजिएगा। और चूंकि देखिए इसमें लाल रंग का निशान बना है, यानी कि इसको भरना जरूरी है, ये कंपलसरी है। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ ऑप्शन में दे सकते हैं। तो चलिए आपने डाल दिया, जैसे अगर आपका BA हो, BCOM हो, BSc, तो कुछ जो भी हो, इंजीनियरिंग हो, BTEC हो, आप उसको डाल दीजिए। आप उसमें कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं तो वो आप डाल दीजिए, जैसे हमने डाल दिया इसमें। उसके बाद आप पासिंग डेट मांग सकते हैं कि आपने पासिंग डेट यानी आपकी मार्कशीट में कब आपने पास किया है, कितना परसेंटेज से पास किया है, चलिए इसको फिलअप करते हैं। और उसके बाद यह डिवीजन पूछेगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड डिवीजन या पास आउट है, तो अगर थर्ड डिवीजन में तो पास आउट माना जाता है, फर्स्ट सेकंड को आप जानते ही हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार आपको उसको भरना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें अपना परसेंटेज डालेंगे अपने आप 0.00 आ जाएगा। यदि आपका कुछ अगर हो तो आप इसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप पैसे भी डालेंगे तो ये अपने आप 0.00 ले लेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक्सपीरियंस की। अगर आपके पास किससे पहले कोई एक्सपीरियंस हो तो उसको एक्सपीरियंस का पूरा डिटेल यहाँ भरना पड़ेगा, अदरवाइज इसको पूरा छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं नीचे आप आएंगे तो आपको पूछेगा आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है। जैसे हिंदी तो इसमें ऑलरेडी पहले से फीड है, तो आप इसमें रीड राइट स्पीक आप कर लीजिए। इसके अलावा अगर जैसे अगर आपको इंग्लिश आती है आप इंग्लिश डाल दीजिए। इसके बाद अगर आपको आती है जैसे आपको रीड राइट आती है स्पीक में आपको दिक्कत है तो आप स्पीक टिक मत कीजिए। इसके अलावा कोई आती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पूरा फॉर्म हमारा भर गया है। हम आपको ये प्रीव्यू दिखा रहे हैं। प्रीव्यू में आप जैसे ही आप इस पर लास्ट करेंगे आपके लिए क्या आ जाएगा, दिस इज ए प्रीव्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पूरा नाम आ जाएगा, सेंटर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। दोस्तों फिर से आपको बता रहे हैं जो फॉर्म हम आपको भर के दिखा रही है डेमो पर्पज से है, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। इसमें जितनी भी डिटेल दी गई है सब टेंटेटिव है, आप के एजुकेशन के पर्पज से दिया गया है ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। आप किस तरह अपना फॉर्म भरेंगे इस तरह आप पूरा प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं ये फॉर्म अभी प्रीव्यू है तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं ये अनपेड लिखा हुआ है। जहाँ अनपेड का मतलब अभी इसकी फीस जमा नहीं हुई है, यानी कि ये प्रीव्यू है। तो जब भी अगर आप फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा उसके बाद जब आप फाइनल प्रिंट आउट लीजिएगा तो आप देख लीजिएगा कि हमारा पेमेंट जो पेड हुआ है कि नहीं, क्योंकि जैसे ही आप इसका पैसा पेड करेंगे या अनपेड की जगह केवल पेड लिख के आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्म भरने के बाद या जहाँ भी आप भरवाइए या अपने से भरिए इस चीज़ को जरूर आखिरी में चेक जरूर कीजिएगा कि हमारे फॉर्म की फीस जमा हुई है या नहीं। तो दोस्तों आखिरी में आपको करना है जब आप पूरा फॉर्म प्रीव्यू चेक करिएगा तो आपको यहाँ पे ऐसे टिक करना है तीनों पे, और तीनों पे टिक करने के बाद अगर आपको सब कुछ अगर आपका सही हो तो फिर आप यहाँ पे सीधे जाइएगा और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आप फीस जमा कर दीजिएगा। दोस्तों हम बता दें आपको कि इसमें केवल आपको ऊपर या दूसरे पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या तो फिर आपको और का ऑप्शन बीच में दिया हो या तो आप ऊपर सेलेक्ट कीजिएगा या नीचे। अगर आपके आईडी प्रूफ के हिसाब से कोई चेंजेस है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप केवल दो पे ऑप्शन क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगला ऑप्शन आ गया अपलोड का। अपलोड में आपको करना क्या है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और उसके बाद है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। जी हाँ, ये दोनों भी आपको अपलोड करना है। तो चलिए दोनों भी अपलोड करते हैं, यानी कि अपने बाएं हाथ का अंगूठा और लेफ्ट हैंड डिक्लेरेशन भी आपको दोनों सबमिट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं किसको अपलोड करके। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने जो है इसमें अपना लेफ्ट हैंड थंब अपलोड कर दिया है और यहाँ पे हमने हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी जो कि आपको नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा, और आपको उसके बाद यहाँ सीधे सीधे आपको कैप्चा भरना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा सबसे आखिरी वाला ऑप्शन आ गया, यानी हमने बेसिक से शुरू किया था पार्ट वन पार्ट टू से करते करते हम आखिरी पे आ गए। अब इसमें आपको सीधे फीस जमा करनी है, इसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों पेमेंट के लिए कई ऑप्शन है। देखिए पेमेंट में क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप बस किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड हो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप नेट बैंकिंग उससे कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना आपके समझ में आए तो आप जैसे नॉर्मल पेटीएम वगैरह का पेमेंट करते हैं आप सीधे QR कोड पैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे खुल जाएगा, मेक पेमेंट पे जाएंगे और QR से भी पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप UPI पे जाके UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, आपको कहीं जाने की जरूरत है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस फॉर्म को पूरा भर लीजिएगा पेमेंट कर दीजिएगा, लॉगिन करके अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और सेव कर लीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसी प्रकार नई नई वीडियो लेके हम आपके पीस हाजिर होते रहेंगे और कौन सा फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये सब आपको बताते रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप sarkaridhar.com और rozgaridhar.com पर लगातार विजिट करते रहिए और नए नए फॉर्म की जानकारी प्राप्त करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।